दोस्तों इंडियन मेकर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स का ऑटोमोबाइल मार्केट में काफी चर्चा है। इसी कंपनी के एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन भी काफी चर्चे में बंधी रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन के फेसलिफ्ट मॉडल पे काम कर रही है, जिसमें अब नेक्सॉन में आपको काफी अपडेट फीचर्स नजर आने वाले हैं और काफी एडवांस फीचर्स के साथ इस कार को जल्द ही लॉन्च किया जाना है। तो अगर आप कर रहे हो एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्लानिंग और आप मारुति सुजुकी ब्रेजा को नहीं खरीदना चाहते तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता अपकमिंग नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर आपको फेवरेट फीचर्स भी नजर आने वाले हैं। तो सारी बात करेंगे, उससे पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। दोस्तों क्या हालचाल है आपके और आप इस दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना ताकि मैं आपके शुक्रिया अदा भी कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई सालों में कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों का ग्रो इंडिया में तेजी से बढ़ता आ रहा है। यही वजह है कि आज भारतीय बाजार में बिकने वाली सभी कारों में एसयूवी कार का सेगमेंट क्रेज सबसे ज्यादा है। ऐसे में टाटा मोटर्स मार्केट को समझते हुए अपनी नंबर 1 एसयूवी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन का न्यू जनरेशन जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा, जिसको कि बिल्कुल ही नया लुक में देखा जाएगा। और जैसा कि कुछ लीक और अपडेट से पता चला है कि इस न्यू जनरेशन नेक्सॉन में आपको अब स्प्लिट हेडलैम्प देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि LED DRS रहेंगे। और स्पेशली जो कहा गया है साथ कि इसका जो रियर लुक है वो काफी ज्यादा ओल्ड से बेकार से लगते हैं, तो उसके ऊपर भी टाटा मोटर्स ने खूब मेहनत की और प्रॉपर तरीके से इसके रियर लुक को एक नया डिजाइन दिया है। जो लाइट्स है उसमें प्रॉपर LED है और थोड़ा सा डिजाइन के अंदर चेंज करने की कोशिश की गई है। और साथ जो इसका फ्रंट लाइट है अब उसमें प्रोजेक्टर हटाकर रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे अपकमिंग टाटा नेक्सॉन न्यू जनरेशन से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों टाटा नेक्सॉन के न्यू जनरेशन को बोल्ड क्वालिटी के साथ तैयार किया गया है और साथ ही गाड़ी में थोड़ा सा एरोमिक का भी टच दिया जाएगा, जो कि नेक्सॉन न्यू जनरेशन को काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक में बनाएगा। तो वहीं बात करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की, तो अपकमिंग नेक्सॉन न्यू जनरेशन का ड्यूअल टोन डिजाइन इसे स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक देता है, जो लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी का फील कराएगी। डिजाइन में इस कार को काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल आकार दिया गया है। तो वहीं इसका फ्रंट लुक काफी ज्यादा मस्कुलर होगा। फ्रंट ग्रिल में आपको क्रोम लाइनिंग के साथ टाटा का एक लोगो नजर आएगा, साथ ही न्यू डिजाइन स्प्लिट हेडलैम्प के साथ नया DRS देखने को मिलेंगे और ड्यूअल टोन स्प्लिट इंडिकेटर दिए गए हैं, जो इसे पहले से कई ज्यादा बोल्ड लुक देता है। कार को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कार के फ्रंट लाइट में LED के साथ क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो कार के पिछले हिस्से तक जाकर दोनों साइडों से टेल लाइट को कवर करती है। तो वहीं रियर लाइटों में आपको LED देखने को मिलेंगे, स्पॉयलर्स पे ब्रेक लाइट और एक रियर में वाइपर देखने को मिलेगा। साथ ही रूफ रेल टॉप मॉडल में आपको शार्क फिन एंटीना, ORBM रिटर्न इंडिकेटर, और बताया जा रहा है कि इस न्यू जनरेशन नेक्सॉन में आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी नजर आएगी। और साथ ही आपको टायर के साथ बिल्कुल नए डिजाइन की R17 इंच तक की डायमंड कट अलॉय व्हील्स की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके नेक्सॉन न्यू जनरेशन में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों नेक्सॉन न्यू जनरेशन अपने इस फीचर्स के साथ और अपने इस ड्यूअल टोन डिजाइन के साथ अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा टॉप सेलिंग एसयूवी रहने वाली है। दोस्तों वहीं अब बात आती है इसके इंजन पावर की, तो इसमें आपको एक ही पेट्रोल इंजन की ऑप्शन देखने को मिलने वाली है और ये पेट्रोल इंजन आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो कि BS6 इंजन होगा। और ये इंजन आपको 118 BHP के करीब पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में नजर आने वाली है और ये इंजन आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के स्टैंडर्ड ऑप्शन में ही नजर आएगी। साथ ही आपको नेक्सॉन न्यू जनरेशन में मल्टीपल ड्राइविंग मोड के साथ साथ मल्टी ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वहीं थोड़ा ध्यान देते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो अपकमिंग नेक्सॉन न्यू जनरेशन के इंटीरियर में कुछ नॉर्मल कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिलेंगे, जो इसे फीचर्स ओवरलोडेड कार बनाती है। जैसे इसके इंटीरियर में ड्यूअल टोन लेदर फिनिश डैशबोर्ड के साथ नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। दोस्तों स्टीयरिंग के साथ ही आपको पूरा म्यूजिक कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और फोन पिक करने का बटन का ऑप्शन दिया जाएगा। साथ ही आपको इंटीरियर के फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाएगा,
जो कि कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस के एडवांस फीचर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। साथ ही इंटीरियर में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड, फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर सीट विद आर्म रेस्ट जैसे और भी बेहतरीन फीचर्स आपको नेक्सॉन न्यू जनरेशन में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस फीचर्स के साथ नेक्सॉन न्यू जनरेशन अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा सुपर से ऊपर रहने वाली है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने एसयूवी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अपने नेक्सॉन न्यू जनरेशन के लिए कड़ी मेहनत की है, जिससे नेक्सॉन 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेलिंग में टॉप सेलिंग एसयूवी रहे और इसके डिजाइन को भी चेंज करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, वहीं अब आती है बात लाइफ इज इम्पोर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी की। तो सबसे पहले इसके पूरे बॉडी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सेफ्टी में ऑल एयरबैग विद साइड कर्टन एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम और मल्टी एंगल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको सेफ्टी में ABS के साथ EBD और इसमें आपको हील होल्ड का भी सिस्टम देखने को मिलने वाला है। साथ ही सेफ्टी में आपको फ्रंट के टायरों के साथ डिस्क ब्रेक और रेयर के टायरों के साथ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और फोन चार्जिंग के लिए आपको वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग की ऑप्शन भी दिया गया है। तो जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, टाटा नेक्सॉन न्यू जनरेशन के लिए हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन और टाटा नेक्सॉन के लवर्स के लिए कड़ी मेहनत की है, जो नेक्सॉन न्यू जनरेशन को बिल्कुल नया लुक में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बाय करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो या फिर आप टाटा नेक्सॉन ही लेने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, बिकॉज अब जितनी भी एसयूवी अपकमिंग है उसमें आपको डिजिटल फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या पता आपका फेवरेट फीचर्स भी उसमें शामिल रहने वाली है। तो वहीं फाइनली अब बात आती है टाटा नेक्सॉन न्यू जनरेशन की लॉन्च डेट और प्राइस की। तो 2022 के अंत तक न्यू जनरेशन नेक्सॉन को लॉन्च किया जा सकता है और वहीं प्राइस में आपको एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम इन दिल्ली 9.50 लाख से शुरू होकर 13.50 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट के अंदर नजर आने वाली है। तो फाइनली आपको टाटा नेक्सॉन न्यू जनरेशन एसयूवी कार आपको कैसी लगी? तो अगर न्यू जनरेशन नेक्सॉन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे ये जरूर शेयर करें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।